सो हाई फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया डिफेंस अलर्ट। सो फ्रेंड, जब से ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ी है, तभी से दोनों देश अपने अपने हथियारों को एलएसी के नज़दीक तैनात कर रहे हैं। शुरुआत में दोस्तों, इंडिया ने चाइना के लाइटवेट टैंक के खिलाफ अपने T-90 टैंक को पूर्व लद्दाख में तैनात किया था। लेकिन दोस्तों, लद्दाख की टेरेन ऐसी है जहाँ पर इतने भारी भरकम टैंक को ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से दोस्तों पुल के ऊपर से इतने भारी भरकम टैंक को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस परेशानी को दूर करने के लिए शुरुआत में इंडिया ने 100 K9 वस्तुओं का ऑर्डर एल&टी को दिया, जिससे K9 वस्तु की 5 रेजिमेंट बनाए जा सकें। इसलिए दोस्तों, इंडियन आर्मी ने पिछले साल K9 वस्तु की 1 रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति अगर हो जाए तो गोलीबारी की जा सके। लेकिन दोस्तों, इस तैनाती से पहले इंडियन आर्मी ने लद्दाख के -30°C तापमान में K9 वस्तु की 3 यूनिट को तैनात किया, फिर इन तोपों की इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, जिससे इंडियन आर्मी काफ़ी संतुष्ट दिखी। और अब इंडियन आर्मी के रिकमेंडेशन पर इंडियन गवर्नमेंट L&T को K9 वस्तुओं का बहुत बड़ा ऑर्डर देने जा रही है। और दोस्तों, ये ऑर्डर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट 200 K9 वस्तुओं का ऑर्डर L&T को देने जा रही है, जिससे K9 वस्तुओं की 10 रेजिमेंट बनेंगी और इन रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में तैनात किया जाएगा। और दोस्तों, इस डील की अनुमानित लागत 9,600 करोड़ रुपये आंकी गई है। और अगर 2022 में डिफेंस एक्सपो में इस डील पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो L&T 2023 से इंडियन आर्मी को K9 वस्तुओं की डिलीवरी शुरू कर देगी और 2028 तक सभी 200 K9 वस्तुओं की डिलीवरी कर दी जाएगी और इन्हें ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम में ऑपरेट किया जाएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए K9 वस्तुओं की रेंज के बारे में, तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस डील के बारे में? क्या ये डील पहले हो जानी चाहिए थी या नहीं, जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।